एवरीथिंग श्याम यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए स्पीडी प्रकाशन का जो है करंट अफेयर है, ये वार्षिकांक है और ये कब से कब तक है, तो सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 2024 का हो जाएगा और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दो पार्ट में देखेंगे, 400 तक जो है एक पार्ट में देखेंगे और 400 से जो है बच गया है 812 तक, तो ये जो है दूसरा पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ जो है वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है और इसका जो हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यूनेस्को कि विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये जो हो जाएगा असम में हो जाएगा। याद रखना है ऐतिहासिक मोईदम कहाँ है, ये हो जाएगा असम में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो मनु भाकर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये हो जाएगा एयर पिस्टल से हो जाएगा, शूटिंग से। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका ने जीता है। तो याद रखना है महिला एशिया कप जो है 2024 श्रीलंका ने जीता है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है, तो ये हो जाएगा 59,000 करोड़ रुपया का बजट का ऐलान किया है, किसके लिए, तो बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा हॉकी खेल से। पी श्रीजेश का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो हॉकी से हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है, तो ये जो हो जाएगा स्विस ओपन हो जाएगा। इसके बाद है देखिए सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है 12वें विश्व हिंदी सम्मान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है, केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये नेपाल का हो जाएगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो है 25,000 औषधि केंद्र जो है खोलने का लक्ष्य रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो ये जो स्थापित किया जाएगा ये कहा जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा यानी मुंबई में हो जाएगा। इसके बाद 11-12 में देखिए, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है जयंत चौधरी ने। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, तो जयंत चौधरी ने। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ये जो हो जाएगा 82वां रैंक है भारत का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर कह रहा है, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये हो जाएगा कार्लोस अल्काराज जो है जीता है। याद रखना है विंबलडन 2024 में, और ये कह रहा है पुरुष का खिताब जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसके बाद है 15 क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा, तो ये जो राजधानी शहर होगा आइजोल हो जाएगा। याद रखना है
कौन हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। इसके बाद है 17 क्वेश्चन, देखिए राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन जो है स्थित वहाँ दरबार हॉल है, उसका नाम जो है गणतंत्र मंडप रखा गया है। याद रखना है गणतंत्र मंडप हो जाएगा। इसके बाद 18 क्वेश्चन, देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है। तो ये हुआ है 26 जुलाई को हुआ है। 26 जुलाई जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 19 नंबर, देखिए मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 20 लाख रुपया कर दी गई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर का रहा है, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है। तो ये जो सहयोग किया है डब्ल्यू आई पी ओ के साथ जो है किसने, नीति आयोग ने जो है ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए उसके साथ समझौता किया है। इसके बाद 21 नंबर, देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपया के वित्तीय सहायता निर्धारित किए गए हैं। तो इस बार जो बजट पेश हुआ है 2024 में, तो बिहार में बहुत बाढ़ आता है, तो उसके लिए जो है 11,500 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिहार के लिए, खासकर BPSC आने वाला है उसके लिए, CTRE 4 के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है। तो पाकिस्तान की पहली महिला जज जो है आलिया और नीलम बनी है, इसको ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है। तो रक्षा बजट जो रखा है 6.22 लाख करोड़ रुपया रखा है, याद रखिए 6.22 लाख करोड़ जो है रक्षा बजट रखा गया है। 24 नंबर, देखिए विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल का खिताब जो है बारबोरा क्रेजी सिकोवा जीता है, याद रखना है। और पुरुष में किसने जीता है, तो अलका रोज ने जीता है। 25 नंबर, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है। तो ये जो है सिफारिश की गई है 8,000 करने की सिफारिश की है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, PM किसान योजना की राशि कितना, पहले कितना देता था, साल में जो है 6,000 रुपया देता था, अब कितना हो जाएगा 8,000 रुपया हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसान को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। 26 नंबर, देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसके लिए जो है 1.52 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है। इसके बाद है 27 नंबर, देखिए महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ये महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये जो आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर का है, DMRC ने किस देश के सहयोग से ईस्ट वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्सिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा किसके सहयोग से, तो जापान के सहयोग से हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए 30 नंबर का रहा है, किस भारतीय युद्ध पोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज ने 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया था। ये हो जाएगा INS तेग हो जाएगा, याद रखना है। जो एक भारतीय युद्ध पोत की मदद से जो है ओमान में जो है ओमान के तट पर जो है पलट गया था प्रेस्टीज फाल्कन जहाज ने 9 भारतीय चालक को जान बचाया है INS तेग से। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस राज्य ने अग्निवीरों में पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तो ये हो जाएगा हरियाणा सरकार हो जाएगा। इसके बाद है 32 नंबर, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो ये किसके साथ हो जाएगा, BPCL के साथ हो जाएगा, याद रखना है। BPCL के साथ जो है भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए भागीदारी की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए 33 नंबर, संघय सहयोग संगठन जिसे हम SCO कहते हैं शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है देख लेते हैं, इसका आयोजन किया गया है अस्ताना में, याद रखना इसका आयोजन किया गया है अस्ताना में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो है विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करने वाला हो जाएगा UNODC हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर, देखिए किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रेन
यानी बुरांस उद्यान खोला गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन जो है जिसे हम बुरांस भी कहते हैं उद्यान कहाँ खोला गया है, तो ये जो खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का रहा है, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है, तो जीवन समर्थ जो हो जाएगा ये शुरू किया है LIC ने शुरू किया है। 37 नंबर देखिए, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो ये जो की है लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके बाद है 38 नंबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है, तो ये हो जाएगा हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। इसके बाद है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गौतम गंभीर को जो है नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का रहा है, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये जो हो जाएगा स्मृति मंधना हो जाएगा, ये भारत से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है, तो ये हो जाएगा सौरज बावा, याद रखना है जूनियर स्क्वैश में कह रहा है कांस्य पदक किस भारतीय ने जीता है, तो सौरज बावा याद रखना है। और 42 नंबर देखिए, हाल ही में चर्चा रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है, तो कृति पहल जो हो जाएगा ये खेल मंत्रालय की पहल है। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव, याद रखना है लड़का भाव योजना शुरू की गई है, तो लड़का भाव योजना जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई, याद रखना है लड़का भाव योजना कहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है, तो पोर्ट लुइस में जो है एस जयशंकर ने किया है भारत और मॉरिशस मैत्री उद्यान का। इसके बाद है 45 नंबर देखिए, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुना गया है, तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष जो है चुना गया है रोबर्टा मेत्सोला, याद रखना है रोबर्टा मेत्सोला को जो है यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के मनोले मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, क्या नाम है मनोलो मार्केज, तो ये हो जाएगा देख लेते हैं इसमें क्या है, ये हो जाएगा स्पेन का है, कहाँ का है स्पेन का हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रामचरण हो जाएगा। इसके बाद है 48 नंबर देखिए, BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है, तो ये जो योगदान दिया है 8.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके बाद है 49 नंबर देखिए, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है फरीदाबाद में किया गया है, इसको ध्यान रखना है। एशिया का जो है पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का जो है उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का रहा है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, तो याद रखना अस्मिता परियोजना की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय किए हैं, और किसके सहयोग से किए हैं, तो ये हो जाएगा UGC के सहयोग से किए हैं। इसके बाद है 51 नंबर देखिए, थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है, तो ये हो जाएगा जर्मनी का खिलाड़ी हो जाएगा थॉमसन मूलर, और किससे हो जाएगा फुटबॉल का खिलाड़ी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का रहा, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये जो समझौता किया है NIC के साथ समझौता किया है, 52 का एक हो जाएगा। इसके बाद है 53 नंबर देखिए, हाल ही में कौन संघई सहयोग संगठन यानी SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है, तो 10वां अस्थायी सदस्य बेलारूस बन गया है, याद रखना है SCO का 10वां सदस्य जो है अस्थायी सदस्य बेलारूस बन गया है। इसके बाद है 54 नंबर देखिए, मसूद पेजेशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जो हो जाएगा ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद है 55 नंबर देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं सर कीर स्टार्मर, याद रखना है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बना है सर कीर स्टार्मर, याद रखना स्टार्मर हो जाएगा, स्टार्मर याद रख सकते हैं। इसके बाद है 56 नंबर देखिए, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है, तो शहरी सुरंग परियोजना का नींव जो है महाराष्ट्र में रखी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर हो जाएगा का निर्माण जो है DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है, तो ये जो तैयार किया है देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है।
ये हो जाएगा लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के साथ जो है तैयार किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किसने किया है? तो अमित शाह गृह मंत्री ने किया है। किसका? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेशन का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में किया है। और 60 नंबर देखिए, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो कोपा अमेरिका का खिताब जो है अर्जेंटीना ने जीता है। 61 नंबर देखिए, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। इसके बाद है 62 नंबर देखिए, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत करने वाला हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। इसके बाद है 63 नंबर देखिए, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा ADB के साथ हस्ताक्षर किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर का रहा, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया है? ये पेश किया गया था 23 जुलाई को पेश किया गया था, याद रखना है। 64 का बी हो जाएगा। इसके बाद है 65 नंबर देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरान किया, यह किस राज्य में है? तो ये याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू ने जो है ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किए हैं, और ये उदयगिरी गुफाएं कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, याद रखना है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मित्रवैन पहल शुरू की है? तो मित्रवैन पहल शुरू करने वाला ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 66 का बी हो जाएगा। इसके बाद है 67 नंबर देखिए, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप जो जीता है स्पेन ने जीता है। तो यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन जीत गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का हो जाएगा? ये रूस का हो जाएगा, याद रखना है। पीएम मोदी को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है रूस देश का, और उस सम्मान का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस साल 2024 का जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जो है ये मिला है महाराष्ट्र सरकार को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसके बाद है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सम्या स्वामीनाथन को, याद रखना है। जो है क्षय रोग उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में जो है डॉक्टर सम्या स्वामीनाथन की नियुक्ति किया गया है। इसके बाद है 71 नंबर देखिए, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ICR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद यानी ICR का जो है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कृषि और पशुपालन क्षेत्र में जो है शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो ICAR के द्वारा, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर कह रहा है, दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये हो जाएगा भारत में। कहाँ? एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में सम्मेलन किया जाएगा। इसके बाद है, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये जो हो जाएगा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर कह रहा है, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हवा से सतह में मारक मिसाइल हो जाएगा। इसके बाद है 76 नंबर देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य परियोजक कौन है? तो ये हो जाएगा अडानी ग्रुप हो जाएगा, याद रखना है। कौन हो जाएगा? अडानी ग्रुप हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 77 नंबर का रहा है, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है और इसका संयोजक कौन है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो ये जो है भारत का ध्वजवाहक रहे हैं याद रखना है पी वी सिंधु और जो हो जाएगा शरत कमल हो जाएगा, ये दोनों ध्वजवाहक के रूप में जो है पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ है, तो ये फ्रांस में हुए हैं 2024 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन जो है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जून 2014 नहीं होगा 24 होगा, जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर कह रहा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में शुरू की है, ये किसके द्वारा है, टाटा सोलर पावर सिस्टम के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो ये जो बनी है ये हो जाएगा राचेल रीव्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर कह रहा है, इस दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो ये जो किया जाएगा महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर कह रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है, तो मैत्री का जो आयोजन किया जाता है भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। इसके बाद अगला 86 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश के यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो ये हो जाएगा हंगरी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो निर्माण पोर्टल जो है जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है, तो ये जो है भारत और मंगोलिया के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास शुरू होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है, तो ये जो हो जाएगा कौन सा बैंक हो जाएगा, SBI हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये जो है 8 पदक जीते हैं। इसके बाद 91 नंबर देखिए, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका में आयोजन किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर का रहा, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है, ये जो जीता है सूर्य कुमार यादव ने जीता है। इसके बाद 93 नंबर में देखिए, खबरों में रहा मिनामी टोरी सीमा द्वीप किस देश से संबंधित है, तो याद रखना एक द्वीप है जिसका नाम है मिनामी टोरी सीमा द्वीप और ये जो है किस देश से संबंधित हो जाएगा, ये जापान से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। याद रखना है जो है किस राज्य ने हर जिले में जो है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता विश्व महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, तैराकी में यूनिवर्सिलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है, जो ये किया है ये हो जाएगा श्री हरि नटराजन और ये साजन प्रकाश हो जाएगा। याद रखना है इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो तैराकी में जो है श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश से संबंधित हो जाएगा और ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर का रहा है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है, तो ये जो बना है बांग्लादेश बना है, 96 का बी हो जाएगा। 97 नंबर देखिए, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नाटो का जो सम्मेलन हुआ है वाशिंगटन में हुआ है, क्या हो जाएगा 97 का सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा शंकर नारायण का।
क्या हो जाएगा, आर्मी रिसर्च एंड रेफलर हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में जो है शंकर नायर को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ये जो किया गया है गुजरात में किया गया है। 100 नंबर देखिए, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ 2024 कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में, याद रखना है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। और 101 नंबर देखिए, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो नाटो का महासचिव जो है मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। इसके बाद 102 नंबर देखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। इसके बाद 103 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है पराग्वे बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है, तो होपेक्स का आयोजन भारत और मिस्र के बीच होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर कर रहा है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये जो चुने गए हैं ओम बिरला चुने गए हैं। और 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लेक्चरल घोषित किया है, तो ये जो शहर हो जाएगा कोझिकोड केरल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर कर रहा है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है, ये बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन, यानी प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर कह रहा है, जार्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये जो जीते हैं 11 पदक जीते हैं। और 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी, तो ये हो जाएगा भर्तृहरि महताब ने लिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढे जिसका नाम क्रेटर का दो नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिलसा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है, तो ये किस ग्रह पे हो जाएगा, मंगल ग्रह पे, याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के जो है दो नए ग्रह जो है ग्रह पर दो नए गड्ढे खोजे गए हैं, ठीक है, और एक जो है उत्तर प्रदेश का शहर का नाम पर और एक जो है बिहार के शहर के नाम पर रखा गया है, ये हो जाएगा मुरसन क्रेटर और हिलसा क्रिएटर हो जाएगा, ये मंगल ग्रह पे खोजा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ब्रिक्स में जो है 29 पदक जीते हैं। इसके बाद है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है, तो ये बन गया है लग्जमबर्ग बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया है जगत प्रसाद नड्डा को जो है नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर का है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, तो ये बन गई है श्रुति वोरा बन गई है, याद रखना है श्रुति वोरा हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा, तो घुड़सवारी से हो जाएगा, कहाँ हुआ था प्रतियोगिता, तो स्लोवेनिया में हो जाएगा। इसके बाद 116 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य के कोसी या कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है, तो देखिए पहले नाम था कोसिया कुटोली था, उसका नाम बदल के कर दिया है श्री कैंची धाम, ये कहाँ हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा कैंची धाम। इसके बाद है 17 नंबर देखिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है, तो ये जो बन गया है देखिए थाईलैंड बन गया है, इसका आंसर थाईलैंड हो जाएगा। और 18 नंबर देखिए, हाल ही में किसने विश्व विनेश रिपोर्ट 2024 जारी की है, तो ये 168 नंबर कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश हाल ही में 168 नंबर देखिए, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है, तो ये जो हो जाएगा आर्मेनिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 169 नंबर कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है, तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 11 जून को, तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है 11 जून मनाने की घोषणा किया जाएगा।
तो खेल दिवस हो जाएगा 29 जुलाई को हो जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब हो जाएगा 11 जून को हो जाएगा। इसके बाद है 170 नंबर, देखिए फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाले इगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है, तो इगा स्वीटेक का संबंध हो जाएगा पोलैंड से हो जाएगा। इसके बाद है 71 नंबर, देखिए 171 नंबर, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है, तो ये हो जाएगा इसराइल को जोड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 172 नंबर का है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये जो शामिल किया गया है 7 महिला को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मोदी जो है मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, तो मोदी के मंत्रिमंडल में जो है पहले से जो मुख्यमंत्री थे उसको 6 मुख्यमंत्री को शामिल किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 174 नंबर का रहा है, जून 10 2024 को प्रकाशित हुए आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रविचंद्र अश्विन से हो जाएगा, 174 का डी हो जाएगा। इसके बाद 175 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया है, तो बिहार का जो 2 वेटलैंड हो जाएगा, एक का नाम है नागी और एक का नाम हो गया नकटी, याद रखना है नागी और नकटी को जो है बिहार के 2 रामसर साइट को शामिल किया गया, और ये कहाँ हो जाएगा नागी नटकी, तो नागी नटकी हो जाएगा ये हो जाएगा जमुई में हो जाएगा, याद रखना है बिहार का पहला रामसर साइट जो हो जाएगा ये कांवर झील हो जाएगा, और ये जो है नागी नटकी हो जाएगा 81 और 82 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 176 का है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, ये जो है अतिरिक्त प्रभार जो है कमल किशोर सेन को दिया गया है। इसके बाद 177 नंबर देखिए, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने फिलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है, तो ये जो हो जाएगा स्लोवेनिया हो जाएगा, याद रखना 178 का बी हो जाएगा स्लोवेनिया। और अगला क्वेश्चन देखिए, 7 जून 2024 के किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इसके बाद 180 नंबर देखिए, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा, तो स्पर्श सेवा हो जाएगा रक्षा मंत्रालय से। और 181 नंबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, तो नोटा पर जो है 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो ये जो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसके बाद 184 नंबर देखिए, कहाँ के उपराष्ट्रपति साइलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निर्धन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया, ये कहाँ का हो जाएगा युगांडा का हो जाएगा। इसके बाद 185 नंबर देखिए, क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये किस देश का हो जाएगा मेक्सिको का हो जाएगा, याद रखना है मेक्सिको की बनी है। और 186 नंबर देखिए, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। इसके बाद 187 नंबर देखिए, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है, तो तृष्णा उपग्रह पर जो है काम करने वाला भारत और फ्रांस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 188 कह रहा है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और 189 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। इसके बाद है 190 नंबर देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। इसके बाद है 191 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थाई प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर्ड हो गई है, तो ये जो हो जाएगा रुचिरा कंबोज हो जाएगा। इसके बाद है 92 नंबर देखिए, हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया है आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है। 193 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 4.9 जो है वैश्विक बेरोजगारी रहने का अनुमान है, किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इसके बाद है 194 नंबर देखिए, चांग E6 यान
हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है, तो ये जो हो जाएगा चीन के द्वारा भेजा गया है। और 195 नंबर देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो रुद्रम जो हो जाएगा हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल हो जाएगा। रुद्रम 2 का मिसाइल सफल परीक्षण किया है जो हवा से सतह में मार करने वाला हो जाएगा। इसके बाद 196 नंबर देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो रेड फ्लैग जो है यूएसए में किया गया, याद रखना यूएसए में किया गया। अमेरिका में जो है रेड फ्लैग 2024 का सैन्य अभ्यास जो है बहुत सारा देश मिलकर करते हैं। 197 नंबर देखिए, 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये देख लेते हैं कौन सा राज्य है, गोवा हो जाएगा, याद रखना है गोवा जो है 37वां स्थापना दिवस मनाए हैं। इसके बाद है 198 नंबर देखिए, अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया है कोचिंग में किया है, अंटार्कटिका संघ सलाहकार की बैठक जो है कोचिंग में किया गया है। और 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है, तो ये जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। 200 क्वेश्चन नंबर देखिए, हाल ही में आए चक्रवात जिसका नाम है रेमल किस देश के द्वारा नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा ओमान के द्वारा नामित किया गया है। इसके बाद है 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 17वां इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है, किसका इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब हो जाएगा। 202 नंबर देखिए, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं गोपी थोटाकुरा हो जाएगा। इसके बाद है 203 नंबर देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, 203 नंबर देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा, ये दिया है मैनचेस्टर सिटी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। 204 नंबर देखिए, इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है, तो ये हो जाएगा मेघालय की, याद रखना है इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है, तो ये हो जाएगा मेघालय। और 205 नंबर देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद है 206 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानक उपाधि प्रदान की गई है, तो ये हो जाएगा माइक गिल विश्वविद्यालय हो जाएगा, 206 को डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 207 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये जो हो जाएगा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई है, तो ये जो बन गई है पायल कपाड़िया बन गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 209 नंबर देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो है 180 देशों में 159 देश स्थान मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 210 नंबर का रहा है, 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये जो मनाया गया गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद है 211 नंबर देखिए, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, तो ये हो जाएगा ज्योति आत्रे हो जाएगा, याद रखना है ज्योति आत्रे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 213 नंबर कह रहा है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये जो वैज्ञानिक हो जाएगा श्रीनिवासम आर कुलकर्णी हो जाएगा, कौन हो जाएगा श्रीनिवास आल कुलकर्णी जो हो जाएगा खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार
प्राप्त करने से सम्मानित मिला है इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 214 नंबर का है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता प्रदान किया, यानी प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है, तो ये जो हो जाएगा पराग्वे हो जाएगा, याद रखना है। 214 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 214 में कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है, तो ये हो जाएगा प्रागवे हो जाएगा। इसके बाद है 215 नंबर, देखिए किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, तो ये जो हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन हो जाएगा, ठीक है। किस यूरोपीय देश हो जाएगा, तो नॉर्वे हो जाएगा, आयरलैंड और स्पेन ने जो है फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 216, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है, तो ये हो जाएगा मालदीव से। इसके बाद अगला क्वेश्चन 217 नंबर देखिए, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा इगा स्वेतेक हो जाएगा, याद रखना है इगा स्वेतेक हो जाएगा। 218 नंबर देखिए, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिसकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई, तो ये हो जाएगा ईरान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 219 नंबर का रहा है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक, याद रखना है फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। और अगला देखिए, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है, तो ये कौन सा अभिनेता हो जाएगा, ये हो जाएगा करीना कपूर खान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 221 नंबर, फोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है, तो फोनपे ने जो शुरुआत किया है श्रीलंका में शुरुआत किया है, ठीक है, याद रखना है फोनपे जो हाल फिलहाल में UPI सेवा कहाँ शुरुआत किया है, तो श्रीलंका में। और अगला क्वेश्चन देखिए 222 नंबर का रहा है, 46वां अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये देख लेते हैं किस शहर में किया गया है, तो ये हो जाएगा कोचिंग में किया गया है, याद रखना है कहाँ हो जाएगा, कोचिंग में किया गया है। और 223 नंबर देखिए, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आगरा में, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर जो है एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म, जिसका नाम क्या हो जाएगा, भीष्म हो जाएगा, भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है, तो ये आगरा में किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 224 नंबर, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 85वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं ये बन गए हैं गुकेश डी बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है, तो ये जो टीम का कप्तान बजा है नजरुल हुसैन सांतो को बनाया है। और 226 नंबर देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, इनमें किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हो जाएगा पत्रिका के क्षेत्र में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 227 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो विश्व फुटबॉल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 मई, याद रखना है विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरिस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 229 नंबर का है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है डबलिन आयरलैंड में किया गया है। इसके क्वेश्चन कह रहा है 229 कह रहा है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया है रॉटरडम जो है नीदरलैंड में किया गया है, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद है 230 नंबर देखिए, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो है जिसे हम AITIGA की समीक्षा के लिए 4वीं संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है, ये जो की गई है मलेशिया में आयोजित की गई है। इस नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए 4वीं संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है, ये हो जाएगा मलेशिया में हो जाएगा।
231 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, अभी भारत का सीडीएस कौन है, तो ये हो जाएगा अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन आईटी नामक दो दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 232 नंबर कह रहे हैं 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी, याद रखना है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान में हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे लाओ, याद रखना है कौन सा अभियान हो गया, पिरूल लाओ पैसे पाओ, यानी पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किया है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 232 नंबर कह रहा है 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी, तो याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा, ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ, याद रखना ये अभियान का नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ का मिशन की शुरुआत किया है, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 233 नंबर कह रहा है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू, याद रखना है माउंट ईबी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, तो माउंट ईबी ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा, तो देख लेते हैं कहाँ, ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, याद रखना है 233 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 234 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है, तो अजलन शाह कप जो 2024 का खिताब जीता है किसने जीता है, ये जीता है जापान ने जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 235 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया जापान में किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा ईरान में, तो याद रखना चाबहार बंदरगाह कहाँ हो गया, ईरान में, और ये जो है भारत के नियंत्रण में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 237 नंबर देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा अमन सहरावत बन गया है, याद रखना है अमन सहरावत का संबंध हो जाएगा रेसलिंग से हो जाएगा। इसके बाद है 238 नंबर देखिए, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, तो शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, और ये हो जाएगा शक्ति के जो है 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा मेघालय में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 239 नंबर देखिए, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसको जो है बनाया है कामी रीता शेरपा ने बनाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 240 नंबर का रहा है, किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये देश हो जाएगा श्रीलंका, याद रखना है भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय जो है श्रीलंका ने बढ़ा दिया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है, तो सिंकुला पास हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है सिंकुला पास जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 242 नंबर, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये जो शुरू की गई है मणिपुर में शुरू की गई है, स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जौल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो ये हो जाएगा 5 मई को मनाई जाती है, तो 243 का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 244 नंबर देखिए, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है, तो ये हो जाएगा 23 देशों के। इसके बाद अगला क्वेश्चन 245 नंबर देखिए, विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी, क्या नाम है, दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, तो विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 246 नंबर देख लीजिए, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुबंध रिपोर्ट पेश की है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आईआईटी जयपुर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 247 नंबर का है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में, कौन हो जाएगा, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 248 नंबर का है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। इसके बाद अगला 249 नंबर देखिए,
NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा नामीबिया के साथ समझौता किया है। कौन? NPCI ने, ठीक है, NPCI ने जो है UPI शुरू किया है किस देश में, किस अफ्रीकी देश में? तो ये हो जाएगा नामीबिया हो जाएगा। इसके बाद 250 नंबर देखिए, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। याद रखना है ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया है नीदरलैंड में। याद रखना है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है नीदरलैंड में किया गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत कार्यरत है। इसके बाद है 254 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बहुउद्देश्यीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये जो हो जाएगा ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कौन सा? तो भारत की जो है पहली बहुउद्देश्यीय जिसमें हो गया ताप और बिजली का जो है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। और 255 नंबर देखिए, हाल ही में सुब्रहण्य धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये हो जाएगा यक्षगान के गायक थे। कि कौन हो जाएगा? सुब्रहण्य धारेश्वर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 256 नंबर कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे हम IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो ये कौन सा पहल हो जाएगा, देख लेते हैं ये कौन सा पहल हो जाएगा। ये हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, लेट्स मूव इंडिया हो जाएगा। इसके बाद है 257 नंबर देखिए, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये कौन सा संगठन हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाएगा। कौन सा सदस्य बन गया है? 99वां सदस्य बन गया है। कौन सा देश? तो ये हो जाएगा स्पेन बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 258 नंबर कह रहा है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कायरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है जेनी एपेनबेक। याद रखना है जो है ये जो है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा जेनी एपेनबेक के लिए जो है मिला है। इसका किताब का नाम क्या हो जाएगा? कायरोस हो जाएगा। याद रखना है कायरोस बुक के लिए है जेनी एपेनबेक। एपेनबेक याद रखना है, 3-4 बाजी बोलना है एपेनबेक तो याद हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 259 नंबर, 20-21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये जो आयोजित किया गया है कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। इसके बाद है 260 नंबर देखिए, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एड ड्वाइट बन गया है। याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री एड ड्वाइट बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ब्राज़ील को चुना गया है विश्व कप की मेजबानी 2027 में जो है विश्व कप होने वाला है महिला का, उसका मेजबानी चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा कौन सा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा। इसके बाद 263 नंबर देखिए, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग सेट्ठी जीता है। याद रखना है थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब जो है सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी एवं चिराग सेट्ठी ने जीता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो मिस पिंक जो नेपाल चुना गया है वो हो जाएगा अनमोल राय को चुना गया है। याद रखना है काठमांडू में जो एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था जिसमें जो है ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है अनमोल राय को। और अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया?
तो ये जो मनाया गया है बांग्लादेश में मनाया गया है, 44वां घर वापसी दिवस बांग्लादेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय जिम्नास्टिक एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सृष्टि खंडागले हो जाएगा, सृष्टि खंडागले हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 267 नंबर कह रहा है, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चिदानंद नायक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस, याद रखना है तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कलकत्ता में किया गया, तो तर्कस जो होता है किस किस देश के बीच होता है, तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो है आतंकवादी विरोधी अभ्यास के लिए जो है तर्कस की शुरुआत किया गया, भारत और अमेरिका के बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीयों को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है, ये कौन सा हो जाएगा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 270 नंबर का है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो अपना सारा ग्लेशियर खोने वाला जो है विश्व का पहला देश वेनेजुएला बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 271 नंबर का है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हो जाएगा चाबहार बंदरगाह हो जाएगा, कहाँ है, तो ईरान में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 272 नंबर का है, कौन सा बैंक इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है, तो ये जो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 273 नंबर देखिए कह रहा है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइस ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा पवन सिंधी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 274 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर, ठीक है याद रखना, एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है, तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। किसके अनुसार, एम्बर के अनुसार जो है 2023 में कौन सा देश जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, तो ये हो जाएगा भारत, यानी भारत जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है, 275 का बी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वोत्तर सर्बिया में हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है, तो इसका थीम क्या हो जाएगा देख लेते हैं, इसका थीम हो जाएगा ए प्रेस फॉर द प्लानेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा, याद रखना ए प्रेस फॉर द प्लानेट हो जाएगा, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया, यानी माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया किस देश में, तो ये जो हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, याद रखना है नेपाल में जो है माता तीर्थ औंसी या मातृ दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 280 नंबर का है, एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये जो पदक जीता है 43, ठीक है, एशिया अंडर 22 में जो है भारतीय ने जो है 43 पदक जीते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और घना संयुक्त व्यापार समिति का 4था सत्र कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये जो संपन्न हुआ है अंकारा में संपन्न हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 282 नंबर का है, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, चांग 6 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, असम राज्य के वन्य जीव विज्ञानी यानी वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए हिटली गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर
एडजुटेंट स्टार्क हो जाएगा, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हो जाएगा। और ये असम के वन्य जीव जो है जिसका नाम क्या है, जीव वैज्ञानिक जो है पूर्णिमा देवी वर्मा को जो है कौन सा सम्मान मिला है, व्हिटली गोल्डन अवार्ड मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ताम जा ब्लू होम, ठीक है, कि खोज किस स्थान पर की गई है। तो दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होम जिसका नाम है ताम जा ब्लू होम की खोज किस स्थान पर की है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये मेक्सिको में हो जाएगा। याद रखना है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ताम जा ब्लू होम की खोज किस स्थान पर किया है, तो ये हो जाएगा मैक्सिको, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ताम जा ब्लू होम मैक्सिको में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 285 नंबर, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा आलोक शुक्ला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सुनीता विलियम्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 21 मई 2024 के किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा राजीव गांधी के जन्मदिन पर जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 288 नंबर का रहा है, 288 नंबर में देख लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ये हो जाएगा 39वीं रैंक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व महिला एकल टेनिस टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो ये बन गए हैं मनिका बत्रा बन गई है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 290 नंबर कह रहा है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गया है, तो ये बन गया है अमन सहरावत बन गया है। इसके बाद है 291 नंबर देखिए, 291 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार यानी 30 बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाई है, तो ये हो जाएगा नेपाल का। तो हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे ज़्यादा बार जो है 30 बार जो है नेपाल की हो गया, जिसका नाम है कामी रीता शेरपा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 292 नंबर देखिए, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा मेरिल स्ट्रीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेरिल स्ट्रीप हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 293 नंबर देखिए, 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये हो जाएगा 250वां स्थापना दिवस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, तो ये हो जाएगा 14 लोगों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो समागम आर्ट फेस्ट जो है 295 नंबर देखिए, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फिलिस्तीन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन जो है ICUBQ लॉन्च किया है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, तो ये हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 299 नंबर का रहा है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाले प्रदर्शन स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया, तो प्रदर्शन स्वदेश का आयोजन जो है दुबई में किया गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, 300 नंबर का रहा है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश
का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। तो ये किस देश का हो जाएगा? श्रीलंका का हो जाएगा। अमूल जो है दूध आता है, अमूल आगामी जो है T20 विश्व कप के लिए जो है श्रीलंका का प्रायोजक देश बन गया है। तीन सौ एक नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन हो जाएगा। इसके बाद है 302 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो ये जो है विषय इसका हो जाएगा ह्यूमनली पॉसिबल हो जाएगा, ह्यूमनली पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अजीत डोभाल हो जाएगा। इसके बाद है 304 नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित हुआ है? तो रवांडा बिल कहाँ होगा? ये हो जाएगा ब्रिटेन में पारित हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 305 नंबर कह रहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 142 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन 306 नंबर देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये कौन हो जाएगा? एताना बोनमती याद रखना है। इसके बाद है 307 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 308 नंबर, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा उसेन बोल्ट हो जाएगा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा ये हो जाएगा उसेन बोल्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो असदोद बंदरगाह हो जाएगा, ये हो जाएगा इजराइल में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 310 नंबर देखिए, 310 में कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा एशिया को घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 311 नंबर कह रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये जो बनी है ये हो जाएगा प्रोफेसर नईमा खातून। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 312 नंबर कह रहा है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाले सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वांट्स टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये हो जाएगा पहली फिल्म बन गई है। कौन सा फिल्म हो जाएगा? सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वांट्स टू नो, ठीक है, ये भारतीय फिल्म बन गया है पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 313 नंबर कह रहा है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल बन गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस पश्चिमी एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये जो हो जाएगा कुवैत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा रामचरण हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 316 नंबर का है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। तो याद रखना है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है दिल्ली में लगाया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखना है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन जो है तमिलनाडु राज्य में जो है किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा डॉक्टर पालूरी सुब्बाराय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है जिसका नाम होगा पालूरी सुब्बाराय हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 319 नंबर का है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा फिलिस्तीन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में
खोंगजोम दिवस मनाएगा। तो खोंगजोम दिवस जो है कहाँ मनाएगा, तो ये हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है, तो ये हो जाएगा सूरत के सीट से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 322 नंबर कह रहा है, 322 नंबर, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है, तो ये हो जाएगा फिलिस्तीन को हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी, तो ये जो हो जाएगा 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत की जनसंख्या जो है 77 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरुष पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है, तो ये कौन सा पाठ्यक्रम हो जाएगा, आधारशिला हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 325 नंबर देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, तो ये जो हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। इसके बाद है 326 नंबर देखिए, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो ये जो हो जाएगा 2030 तक हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर से के रूप में चुना गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी पैट कमिंस और नैट साइवर फ्रॉम ब्रंट हो जाएगा। नैट साइवर ब्रंट हो जाएगा और पैट कमिंस हो जाएगा। इसके बाद है 329 नंबर देखिए, पाँचवीं T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता है, तो ये जो जीता है डीफ बंगलोर बादशाह ने जीता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 330 नंबर का है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है माउंट एरेबस ज्वालामुखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है, तो ये हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीता है, तो ये जो जीता है 22 पदक जीता है, याद रखना है कितना पदक, 22 पदक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 333 नंबर देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आलिया भट्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो साइबर क्राइम इंडेक्स में जो है भारत को 10वां स्थान मिला है, 2024 का रिपोर्ट है। इसके बाद है 335 नंबर देखिए, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये जो है कुल 9 पदक जीते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है, तो ये जो हो जाएगा 10वां रैंक है, ठीक है, याद रखना है दिल्ली एयरपोर्ट का जो है व्यस्तम एयरपोर्ट में जो है 10वां स्थान है। इसके बाद है 337 नंबर देखिए, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये हो जाएगा विल्किस मीर हो जाएगा, विल्किस मीर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा अवंतिका वंदनपू हो जाएगा, याद रखना है अवंतिका वंदनपू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा पहला स्टेडियम हो जाएगा धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात में बनाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो स्पेस इंडिया ने जो अपना संजना सांधी को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाले 39वां देश कौन बन गया है, तो 39वां देश जो है स्लोवेनिया बन गया है, किसमें, आर्टेमिस समझौता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट जो है रूस ने लॉन्च किए हैं। इसके बाद अगला 345 नंबर देखिए, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये जो बनेंगे गोपी चंद थोटाकुरा हो जाएगा, यानी ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय का नाम हो गया गोपी चंद थोटाकुरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 346 नंबर का रहा है, किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ए वी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ट्यूरिंग पुरस्कार जो सम्मानित किया गया इजराइल का वैज्ञानिक है, क्या नाम है? ए वी विगडर्सन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर मैलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका, याद रखना है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को जो है डॉक्टर मैलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी हुंडरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यूनिकॉर्न के मामले में जो है भारत तीसरे स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलीक का आयोजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ, याद रखना है डस्टलीक जो है उज्बेकिस्तान के साथ होता है, भारत और उज्बेकिस्तान, तो याद रखना डस्ट जो है गर्दा समझ लो और वो उड़ता है, तो याद रखना उज्बेकिस्तान। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो ये जो हो जाएगा 2.9 करोड़ लोगों की मृत्यु जो है हेपेटाइटिस बी के कारण हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 352 नंबर का रहा है, चर्चा में रहा बीपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा ईसा और यूरोपीय संघ और जाक्सा यानी जापान का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 353 नंबर का है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये हो जाएगा राजस्थान में, याद रखना है गणगौर उत्सव 2024 राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद है 354 नंबर देखिए, किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जीगजी नामक एक नए स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे हो जाएगा, याद रखना है जिम्बाब्वे, जेड से हो जाएगा जिम्बाब्वे, तो याद रखना है जीगजी नामक एक नई स्वर्ण मुद्रा जो जारी किया है जिम्बाब्वे किया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो उगादी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा रहा सोनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सोनकाकू द्वीप जो हो जाएगा प्रशांत महासागर में हो जाएगा। 357 नंबर कह रहा है, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालीन सदस्य कौन बन गए हैं? तो ये जो है पूर्णकालीन सदस्य मनोज पांडा बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 358 नंबर कह रहा है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष कम हुआ है? तो ये जो हुआ है 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष कम हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 359 नंबर का है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन सा अभिनेता हो जाएगा? ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहन करने के लिए आयुष्मान खुराना को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 360 नंबर देखिए, 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजन किया गया है? तो ये कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? ये रक्षा मंत्रालय हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक हो जाएगा, यानी 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 2024 का थीम हो जाएगा प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक हो जाएगा। इसके बाद है 362 नंबर देखिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये जो बन गया है HDFC बैंक बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये जो हो जाएगा मीराबाई चानू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 364 नंबर का है, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। 365 नंबर देखिए, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा विषय हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये सिंगापुर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 367 नंबर देखिए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? तो ये जो हो जाएगा भारत में पाई गई है डोपिंग के मामला 2022 में सबसे अधिक। इसके बाद 368 नंबर देखिए, 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया है, यानी एक समझौता किया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका और ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बाद आगे, पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सेटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 370 नंबर का, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का कान क्या नाम दिया है? तो ये हो जाएगा आयरन शील्ड नाम दिया है, यानी इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद जो है अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड दिया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का जो है 75वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया। इसके बाद है 372 नंबर देखिए, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जानिक सिनर ने, याद रखना है जानिक सिनर जो है मियामी ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो चिराग योजना का संबंध हरियाणा से हो जाएगा, चिराग योजना कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 374 कह रहा है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये हो जाएगा 6.6%, किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार, कब? 24-25 के लिए। इसके बाद है 75 नंबर देखिए, 375 कह रहा है, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा 4 व्यक्ति को जो है प्रदान किया गया, 375 का बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति जो कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, इसको क्या मिला है? GI टैग मिला है, तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बेल्जियम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो ये जो हो जाएगा IIT बम्बई हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चरथीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका के बीच, कच्चा थीबू द्वीप कहाँ हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के मध्य। 380 नंबर, खबरों में रहा मुस्क बुद्ध जी किसकी एक किस्म है? तो ये हो जाएगा चावल की एक किस्म है मुस्क बुद्ध जी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 381 नंबर कह रहा है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये देख लेते हैं कौन बन गए हैं। ये जो बन गया है अर्जुन एरीगासी बन गया है, याद रखना अर्जुन एरीगासी बन गया है। 300 देखिए, किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 383 नंबर देखिए, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है?
तो सितवे बंदरगाह म्यांमार में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है, ये हो जाएगा नाइजीरिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खाद अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये किया गया UNEP के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 386 नंबर देखिए, कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है, ये कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम ऊर्जा श्रेणी में जो है स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है REG। अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। 388 का क्या हो जाएगा, उड़ीसा सी आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 389 में देखिए, हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है, तो इराह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AI आधारित फिल्म हो जाएगा। इराह क्या हो जाएगा, AI आधारित फिल्म हो जाएगा। और 300 नंबर का रहा है, जूडिथ सुमिन वा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, तो ये होगा कांगो का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चित भोजनशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है, तो भोजनशाला और कमाल मौला मस्जिद जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्दिक पांड्या और सलीमा टेटे हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये जो मनाया गया है 90 स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 394 कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है, तो ये जो रहा है 21,083 करोड़ रुपया रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। और अगला क्वेश्चन देखिए, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा अल्लू अर्जुन का प्रतिमा। तो याद रखना है, तुषार संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुबई में। इसके बाद 397 नंबर देखिए, भारतीय नौसेना में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाए अल कंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है, तो ये जो हो जाएगा 79 किलोग्राम जो है प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी है। इसके बाद है 399 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्था द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है, तो ये हो जाएगा 83% युवा जो है बेरोजगार है। इसके बाद 400 नंबर देखिए, किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंकुआकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा असम का। याद रखना है, 400 तक हो गया आप, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट में जो है 400 से 812 तक जो है दूसरा पार्ट में हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए।